थैंक यू सर। अभी 9 बजे हैं। अभी विद द पीपल का कंसेप्ट बताने का वक्त हो चुका है। मैं सुधीर राज सिंह सर से विनंती करता हूँ कि कृपया वो अपना कंसेप्ट कंसेप्ट का वक्तव्य दें। जी आज हमने दिल्ली में जो कंसेप्ट का 4 साढ़े 4 महीने की मेहनत का जो असर है उसको पहली बार देखा। जो वी द पीपल के जितने भी सक्रिय लोग हैं जो कंसेप्ट को समझ गए हैं जो जान गए हैं वो साधारण से लोग, मतलब उनमें कोई आदमी ऐसा नहीं जो पहले से जानता हो या पहले से लोगों को इकट्ठा करने का काम करता हो, वो यहीं से सीखे यहीं से जाने। और उन लोगों ने लोगों को मोबिलाइज किया, उनको कंसेप्ट बताया, तो ये मान के चले थे कि दिल्ली में ना दरअसल लोगों को इकट्ठा करना सबसे मुश्किल काम है। गांव में आप जाके खड़े हो जाइए और कहिए कि मैं गांव वालों से मिलने आया हूं, तो गांव में 200 300 400 आदमी बहुत आराम से इकट्ठे हो जाएंगे। किसी कस्बे में जाएं तो वहां भी आराम से मोहल्ले में इकट्ठे हो जाते हैं आदमी। खाली ये कह दो कि शाम को चौपाल पे लोग आने हैं तो वो आ जाते हैं, आपकी बात सुनते चले जाते हैं। मगर महानगर में, और महानगर में भी खास तौर से दिल्ली जैसे महानगर में, क्योंकि दिल्ली जो बसा हुआ है वो जो वॉल सिटी बोलते हैं, वॉल सिटी का मतलब है जिसके 7 दरवाजे होते थे, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, मोरी गेट, ऐसे 7 गेट होते थे। उस दीवार के अंदर की जो दिल्ली है पुरानी वो बेसिकली एक्चुअल दिल्ली है, और बाकी जो सैकड़ों गुना जो दिल्ली बसी हुई है उसमें पूरे भारत के लोग हैं। उसमें सबसे ज्यादा हरियाणा से, पंजाब से, और बाकी इधर उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश बिहार से आए हुए लोग, तो सभी लोग यहाँ बड़े आजाद मस्त के लोग हैं और सबके पास में बड़े संसाधन हैं और यहाँ आमदनी अच्छी होती है। तो यहाँ मूवमेंट को चलाना या लोगों को बताना बड़ा मुश्किल है, और यहाँ किराए के आदमी बहुत मिलते हैं। अगर आपने कोई रैली वगैरह करनी है तो यहाँ बैनर पट्टी सहित आपको 500 रुपये 700 रुपये पर आदमी के हिसाब से मिल जाता है। यहाँ बिजनेस चलता है इस बात का। यहाँ जितने भी लोग दिल्ली में रैली करने आते हैं रामलीला मैदान में, अगर आप सर्वे करेंगे तो उनमें एक ही चेहरे मिलेंगे मगर झंडे बिल्ले अलग होंगे। उनका तय है कि उनको 500 रुपये या 700 रुपये मिलता है, खाना मिलता है, और वो किसी का भी झंडा उठा लेते हैं, वो रोज उनका यही काम है। तो यहाँ बहुत सारे संगठनों के हेड और लीडर हैं, उनमें बड़ा आपस में जूतम पतरम रहती है और वो इकट्ठा तो होना चाहते नहीं। इसलिए दिल्ली में लोगों को इकट्ठा करना या लोगों से बात करना सबसे मुश्किल काम है। मतलब 10 लोग भी अगर कोई इकट्ठे कर ले सच्चे अच्छे तो समझ लो कि वो दिल्ली फतेह कर सकता है। तो जो साधारण लोग हैं जैसे ओम प्रकाश जी हैं, जैसे तिलक राज जी हैं, जैसे ब्रजमोहन जी हैं, जैसे निरंजन सिंह जी हैं, और गुलाब सिंह जी तो खैर बहुत 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, गुलाब सिंह जी ने सारा किया है। तो ये जो साधारण से लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं काम किया उन लोगों ने वहां मोबिलाइजेशन किया, और मैं ये उम्मीद मान रहा था कि 100 के करीब लोग वहां आ जाएंगे तो सफल हो जाएगी, क्योंकि पहली बार है और लोगों को कंसेप्ट में बताने में टाइम लगता है। मगर वहां उन्होंने जो संख्या है वो लगभग 200 के करीब पहुंचा दी, और 200 का मतलब है कि जो लोगों को कंसेप्ट पसंद आया और जो उन्होंने मेहनत की वो बहुत बढ़िया की। क्योंकि दिल्ली में 200 आदमी अच्छे अच्छे के इकट्ठे नहीं होते, या बहुत लोग आते हैं बाहर से मीटिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ की मीटिंग की बात ना पूरी दुनिया में जाती है। तो कहते हैं जी हमारी मीटिंग होनी है, कैसे करें, तो या तो वो अपने आदमी लाते हैं बस में भर के, ट्रेन में भर के, और यहाँ वो हाई हल्ला मचा के चले जाते हैं, या किराए के आदमी लेते हैं, बल्कि यहाँ बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने ये चेक किया कि वी द पीपल का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट वास्तव में लोगों को जान बचाने के लिए और उनको समझने के लिए समझ में आ रहा है। हमने वहां हाथ भी उठवाए कि भाई कितने लोग हैं जो कंसेप्ट को जूम मीटिंग से समझ चुके हैं, तो उन लगभग 200 लोगों में से आधे लोगों ने, और ये 200 लोग हैं ये पक्के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि 20 लोग हैं तो हम 200 बता रहे हैं, क्योंकि हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और वहां जो लोग थे सब जानते हैं। तो आधे लोगों ने हाथ उठाए, तो हमने उनसे पूछा कि अच्छा पराठे कौन कौन लेके आया है, क्योंकि खाना अपना खाना है। तो आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ उठाए कि वो पराठे और अचार भी लेके आए हुए हैं, और वहां खाना इतना था कि खाना बाद में बच गया। ये बात बड़ी अच्छी हुई। और ये जो मीटिंग दिल्ली में जो 200 आदमियों की लगी है इसमें कम से कम 2 लाख रुपए खर्च होते हैं अगर कोई बाहर का आदमी करे या दिल्ली का आदमी करे, क्योंकि तो लोगों को बुलाना, फिर उनका पर्चा छपवाना, उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करना, उनके लिए हॉल बुक करना, माइक है, अरेंजमेंट है, पानी है, चाय है, नाश्ता है, ये सारा मिला के, अर्चा पर्चा मिला के 2 लाख रुपए बड़े मजे से खर्च हो जाते हैं। मगर हमारा वहां सिर्फ इतना पैसा खर्च हुआ कि
कि तिलक राज जी ने दो बैनर लाए थे बनवा के, वो उन्होंने अपनी जेब से दिया, और बाकी सब अपने अपने पराठे लाए थे, उसका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, और वहां जगह का एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। जैसा कि विदा पीपल ने कहा है कि छोटी छोटी मीटिंग्स के लिए आप फ्री की जगह ले लें, तो फ्री की जगह वहां थी, और ऐसा विदा पीपल बोलता है कि अपना जो समर समाज है उसकी जमीन लें या उसकी जगह लें या उसका घर लें, तो हमने अपने ही समर समाज की वहां मीटिंग की। तो कई लोगों ने इस पर एतराज किया कि भाई आपने जो जगह ली है वो एक मिनिस्टर है, हालांकि वो मिनिस्टर मंत्री नहीं है, वो मिनिस्टर मंत्री ऑफिस में बैठ के किसी और व्यक्ति के लिए हो सकते हैं, कहीं और हो सकते हैं, क्योंकि मेरे तो वो 20-25 साल से दोस्त हैं और 2 साल मुझसे बड़े हैं, इसलिए कहने को तो वो बड़े भाई हो सकते हैं, मगर वो जो व्यक्ति हैं वो वी द पीपल में 4 महीने पहले आ चुके हैं और वो वी द पीपल के स्पोक भी हैं, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो समर समाज के व्यक्ति हैं और वहां उन्होंने जो समर समाज की भूमिका होती है पूरी वहां उन्होंने निभाई और सारा काम बहुत बढ़िया रहा। फिर वहां एक कॉमन डिसीजन हुआ सबसे मिलके कि जो दशहरा है, हमारे जो लोग हैं दशहरा नहीं मनाते, और वो जो ये नवरात्रे आते हैं, हालांकि जो अठमी है, अठमी के जो उपोषक है वो हमारे ही हैं, मगर अभी बताने में बहुत टाइम लगेगा लोगों को समझने में, इसलिए उसको छोड़ दो। तो दशहरे और अठमी पे हमारे लोग मायूस हो जाते हैं कि वो क्या करें, तो ये बात तय हुई कि भाई उन लोगों को काम देना चाहिए, उन लोगों को फेस्टिवल देना चाहिए। तो हर साल पूरे भारत में दशहरे से जो अगला संडे होगा, क्योंकि नागपुर में तो फेस्टिवल होता है हमारा, नागपुर में तो हम धम्म दीक्षा भूमि पर लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, तो जो नागपुर जाता है दशहरे पे अच्छा है और सबको जाना चाहिए, मगर जो नागपुर नहीं जाता है वो क्या करे। तो दशहरे पे अधिकतर लोग अपने कार्यक्रम लगाते हैं छोटे मोटे, जैसे मैं पंजाब के कार्यक्रम में रहता हूँ हर साल दशहरे में, वहां एक धम्मा फेडरेशन है, उस पर मेरा लेक्चर होता है पिछले 3 साल से लगातार है, पिछली बार कोविड तो नहीं हुआ, इस बार भी है। तो जो अगर ना लगा पाए तो उनके लिए था कि भाई दशहरे से अगले दिन जो संडे पड़ेगा उसको सब लोग इकट्ठे हों और पिकनिक के रूप में मनाएं, जहां कोई बाग है, बगीचा है, पार्क है या छोटी मोटी जगह है, वहां लोग मिलें आपस में और वो अपना धम्म का दशहरा मनाने का, क्योंकि संडे को हमारे लोग खाली रहते हैं, संडे को छुट्टी होती है तो मनाएं। तो यहाँ बुद्धा गार्डन में कुछ फैमिलीज इकट्ठी होंगी, 10-20-30-50 फैमिली जो भी है इकट्ठा होंगी, और वो एक शुरुआत करेंगे हर साल के लिए, फिक्स हुआ है। तो ये मैसेज जाएगा सब में और ये मैसेज जा रहा है। तो वहां बिल्कुल जैसे हम जूम में मीटिंग करते हैं वैसे ही मीटिंग हुई, मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही, हर व्यक्ति को वहां सुना गया, हर व्यक्ति का वहां इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत परिवार जैसा माहौल रहा। और जब वो पराठे इकट्ठे हुए तो किसी को नहीं पता कि उसके पराठे कौन से थे, सबने मिलके खाया, क्योंकि ये बुद्ध का नियम है कि संघ जब खाना खाएगा तो इकट्ठा करके खाएगा, उसमें भेदभाव खत्म हो जाएगा, किसी का खाना देसी घी का है, किसी का तेल का है, किसी का सरसों का है, वो सब बराबर हो जाएगा, जिसके हिस्से में जो परिवार खाना आएगा वो खाएगा। तो उससे एक खुशी की लहर सब में दौड़ी, जैसे ही वो अचार खुले और अचार की महक दौड़ी, उससे ज्यादा चेहरे लोगों के चेहरे पे खुशी चमकी, और कार्यक्रम अपने जो उद्देश्य के लिए परिवार को मिलाने के लिए और विद द पीपल जुड़ने और जोड़ने का जो कार्यक्रम था वो सफल रहा। बाद में राजेंद्र पाल एडवोकेट जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वो अब विद द पीपल में जो लोगो है वो उसके अपने रथ पे लगाएंगे, अपनी हर जगह लगाएंगे, यानी वहां सब लोगों ने ये कहा और भी लोगों ने कहा कि अब वो विद द पीपल लगाएंगे, अपने ग्रुप पे लगाएंगे, अपने फेसबुक पे लगाएंगे, अपने व्हाट्सएप पे लगाएंगे, और अब ये वी का जो लोगो है ये हमको बचाएगा। ऐसी बात वहां तय हुई और लोगों ने वहां संकल्प लिया कि अब हम वी लगाएंगे। सारी बातें वहां बहुत अच्छी रही, वहां जितने भी लोग आए थे वो सब अपने अपने जितने भी काम थे उनको भूल के सब वी द पीपल वहां हो गए, तो वी द पीपल का जो मकसद था वो पास हो गया। दरअसल वी द पीपल का मकसद है क्या, वी द पीपल का जो मकसद है वो बहुत छोटा सा और बहुत साधारण सा है। कोई आपसे पूछता है कि वी द पीपल का क्या उद्देश्य है, तो आप एक सेंटेंस में कह सकते हैं, वी द पीपल का उद्देश्य है हमें समर समाज के लिए सुख चाहिए, सुख की लड़ाई है, हमको सुख चाहिए। तो वो कहेगा कि भाई सुख क्या होता है, अगर उसको ये पता नहीं है तो अलग बात है, मगर अगर पता है तो वो समझ जाएगा। तो ये कहेगा सुख कैसे मिलेगा, तो सीधा सा मतलब है कि भाई सुख कैसे मिलता है, सुख वैसे मिलता है कि अगर हमारा दुख चला जाए तो हमारे पास जो बचेगा वो सुख होता है। हर प्राणी के अंदर सुख होता है, दुख उसको कवर लेता है, ढक लेता है। अगर उस दुख को निकाल दें हम चला जाए तो सुख तो पहले से मौजूद है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो वो दुखी नहीं होता, वो तो खेलता रहता है। उसका दुख जब होता है, जब उसके पेट में भूख लगती है तब वो रोता है, और उसकी भूख अगर शांत हो जाए तो वो फिर हंसने लगता है। तो हम चूंकि बड़े बच्चे हैं और ज्यादा उम्र हमारी है और हमारे खुद के बच्चे भी हैं, तो हमें अपने बच्चों का सुख चाहिए, हमें अपना सुख चाहिए, अपने माता पिता का सुख चाहिए।
तो हमें अपने रिश्तेदार का भी सुख चाहिए, तो हमें अपने दोस्त का भी सुख चाहिए, तो हमें अपने मोहल्ले का, अपने सारे पड़ोस का, गांव का, तहसील का, पूरे जो पूरा देश है उसमें अपने लोगों का सुख चाहिए। तो अपने लोगों का ही सुख क्यों चाहिए? अपने लोगों को समण बोलते हैं पुराने समय में, तो समण का ही सुख क्यों चाहिए? क्योंकि वमण तो पहले से ही सुखी है, उसके पास सुख की सब चीज है, उसके पास इज्जत है, मान है, सम्मान है, उसके पास भरपेट खाना है, बल्कि वो खाना उसके पास इतना है कि वो फेंक भी देता है, सड़ा भी देता है, उसके पास में सारी मोटर कार है, उसके पास कोठी है, उसके पास बंगला है, उसके पास सारी एजुकेशन है, उसके पास सारे इंस्टीट्यूट है, उसके पास सारी जमीनें हैं, उसके पास में सारी दुकान है, उसके पास में सारी इंडस्ट्री है, उसके पास में काम करने का अधिकार है, उसके पास में सारे राइट है, और वो आज की स्थिति में कानून बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, वो कानून बनाने और बिगाड़ने की पोजिशन में भी है, और वो देश के जितना बजट है उसको कैसे खर्च करेंगे उसकी भी शक्ति उसके पास है। हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय जनसंख्या के। तो ये जो जनसंख्या है ये सारे तालों की चाबी है, क्योंकि जनसंख्या, संविधान ये कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुख में है, उसको उतना पानी मिलेगा देश में, उतनी जमीन मिलेगी, उतनी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उतने मौके मिलेंगे, उतने मौके, उतनी नौकरियां मिलेंगी, उतना व्यापार मिलेगा, और ये मिलेगा, संविधान में इसकी गारंटी है। मगर इस गारंटी को लेने के लिए आपको संख्या तो दिखानी पड़ेगी। आपको अब संख्या आप दिखाओगे 6,743 जातियों में टूटी हुई टुकड़ों में, या संख्या दिखाओगे आप 400,000 जो संगठन है उनमें टूटे हुए में, तो फिर आपको जो हिस्सेदारी उतनी मिलेगी, तो उसके उतनी हिस्सेदारी में तो आपको गालियां मिलेंगी, उतनी हिस्सेदारी में तो आपको बेइज्जती मिलेगी, उतनी हिस्सेदारी में तो आपका सब कुछ छीना जाएगा, उतनी हिस्सेदारी में जो आप इतने टुकड़ों में टूटे हुए हो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पिटोगे तो आपको बचाने कौन आएगा? आप तो 400,000 संगठनों में टूटे हुए हो और आप 6,743 जातियों में टूटे हुए हो, तो आप अगर पिटोगे तो अपनी जाति में जाकर रोगे या अपने संगठन में रोगे, तो एक संगठन बचाएगा कैसे? क्योंकि उसमें तो 20 आदमी है, कोई बहुत बड़ा संगठन होगा तो 1,000 आदमी का ग्रुप होगा, तो वो कैसे करेगा मुकाबला? तो हमारी जो समस्या है, जो हम पिट रहे हैं और जो छिट रहे हैं, उसको हम देखते नहीं है और हमको देखने नहीं देते हमारे नेता संगठनों के, या हमारे जाति के जो नेता बने हुए हैं वो हमको नहीं देखने देते। क्योंकि अगर हमने ये देख लिया कि हम अलग अलग रहने से पिटते हैं और इकट्ठे रहने से हम पीटने की स्थिति में आ जाते हैं, फिर हम लोगों को मारने की स्थिति में आ जाते हैं, तो हमारा बचाव तो अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जो डिफेंस है, जो हमारी मिलिट्री है, वो क्या कहती है? बेस्ट अटैक, बेस्ट डिफेंस इज अटैक, यानी कि आपकी जो सुरक्षा है वो सबसे पहले हमला करने में है, यानी इससे पहले आपके ऊपर कोई हमला करे, आप उस पर हमला करोगे तो आप तो अपने आप बच गए, फिर आपको बचना नहीं पड़ेगा। हाँ, आप पर कोई हमला करेगा तब आपको बचना पड़ेगा। तो वही ये कहता है संविधान कि भाई अगर आपको बचना है तो आप इकट्ठे होके और कानून बनाने वाली पोजीशन में आ जाओ। तो जब आप कानून बनाने वाली पोजीशन में आ जाओगे तो फिर आपके कानून पर हमला कौन करेगा? फिर तो आपने अटैक कर दिया ना, आपने पार्लियामेंट के संविधान की बनाने वाली कंपनी पर अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया, आपने कानून बनाने शुरू कर दिए, तो आपके कानून पर कौन अटैक करेगा? आप तो सेफ हो गए ना, आपका संविधान सेफ हो गया, आप सेफ हो गए। तो इस सेफ गार्ड को लेने के लिए, इस संविधान के हक को लेने के लिए, इस कानून बनाने वाले हक को लेने के लिए, इस वहां पर ये लिखने के लिए कि हमारे भारत में जितने समर्थ लोग हैं उनको रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए, उनको ये काम मिलना चाहिए, उनको इज्जत मिलनी चाहिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ना आपको पढ़ना है, ना आपको लिखना है, ना बड़ा अफसर बनना है, ना छोटा अफसर बनना है, ना दुकान खोलनी है, ना मकान खोलना है, ना इंडस्ट्री खोलनी है, ना आपको कहीं पर जाके युद्ध करना है, ना हथियार उठाना है, ना डंडा उठाना है, ना गाली देनी है, कोई काम नहीं करना है। आपने संविधान में साफ लिखा हुआ है कि ऐसे कोई काम करने वाले के लिए सजा होगी। आपने क्या करना है? आपने तो इकट्ठे होना है बस। और इकट्ठा होने के लिए क्या करना है? आपने अपने दूसरे साथियों को बोलना है कि भाई इकट्ठे हो जाओगे तो बच जाएंगे, अगर जुड़ जाएंगे तो बच जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप जुड़ जाओगे, फिर वहां आपका कोई भी प्रतिनिधि है या कुछ भी है, उसे आपकी बात माननी पड़ेगी, वरना उससे आप हटा दोगे तो वो फिर आप कानून बना लोगे। आप अगर इकट्ठे हो जाओगे तो आपने अगर कंपनी वाले से ये कह दिया कि भाई कंपनी वाले इसमें हमारे आदमी तो काम करते नहीं तेरी कंपनी में, तो हम तेरी कंपनी का सामान खरीदना बंद कर देते हैं, तो वो कहेगा भाई साहब मैं आपके आदमी इसमें लगा देता हूं और उनको पूरा पैसा भी दूंगा, आप मेरा माल खरीदते रहना। वरना हम कहेंगे भाई हम कंपनी खोल देते हैं, क्योंकि कंपनी तो हम ही चलाते हैं भाई। ये ईंट गारे को कंपनी थोड़ी ही बोलते हैं, ये जो लोगों ने टीन शेड डाल रखे हैं या ईंट गारा है या मिट्टी है, इसको कंपनी नहीं बोलते। कंपनी तो जो उसके अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, वो कंपनी होता है।
किसी आदमी के पास में बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत पक्की वो हवेली बना ले, बहुत पक्की इंडस्ट्री बना ले, बहुत पक्का वो शेड डाल ले, बहुत बढ़िया बढ़िया वो जर्मन से मशीन खरीद के ले आए, बहुत बढ़िया उसको सब कुछ करे, कच्चा माल भी हो और उसको चलाने वाले ना हो, क्या करेगा वो, कूड़ा है। तो चलाने वालों से कंपनी होती है, इसलिए कंपनियां बंद हो जाएंगी या फिर उसमें हमारा हिस्सा होगा जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तब। कोई आदमी ये कहे कि भाई मार्केट में हमारा हिस्सा कैसा होगा, अरे भाई जहां संख्या 115 करोड़ लोगों की है हमारी अपनी, तो खरीदार भी तो 115 करोड़ हम ही हैं भाई। सबने कपड़े पहन रखे तो कपड़ा तो खरीदते ही हैं, सबने चश्मे लगा रखे हैं चश्मा तो खरीदते ही हैं, सब घर में रहते हैं तो घर तो बनाते ही हैं, सब खाना खाते हैं तो बाजार से खाने का सामान तो लेके आते ही हैं। तो 115 करोड़ लोग जो सामान खरीद रहे हैं तो बाजार किसका है? बाजार बेचने वाले का नहीं होता कभी, बाजार कभी किसी दुकानदार का नहीं होता, बाजार उसका होता है जिसके खरीदार होते हैं। क्योंकि किसी ने बहुत बढ़िया दुकान सजाई, बहुत बढ़िया शोरूम खोला और वो ये भी कह दे कि मैं एक के साथ एक मुफ्त देता हूं, या वो ये भी कह दे कि मैं आधे रेट पर सामान देता हूं, तो भी अगर खरीदार उसकी दुकान पर नहीं जाएगा तो क्या दुकान है उसकी? वो तो बंद हो जाएगी, कूड़ा हो जाएगी, घाटे में चली जाएगी, खत्म हो जाएगी वो तो। और उस पर अगर ग्राहक जाएगा तो कोई छोटी दुकान भी है तो बड़ी हो जाएगी। तो दुकान कौन है? दुकान तो हम ही है भाई, ग्राहक तो हम ही है, मार्केट तो हम ही है। तो मार्केट हम है तो दुकान भी हम खोल सकते हैं, हमें खोलनी चाहिए, मगर तब खुलेगी जब इकट्ठे होंगे, उससे पहले नहीं खुलेगी। कोई कहता हो कि सामाजिक स्ट्रक्चर से हम जो सांस्कृतिक बदलाव है उससे हम सारा काम कर देंगे या प्रबुद्ध भारत बनाने से हमारी समस्या दूर हो जाएगी, तो हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसके लिए इकट्ठा तो होना पड़ेगा। क्योंकि एक मत का लोग करने के लिए इकट्ठे तो करोगे, एक मत आप कोई सा भी एक मत के हो जाओ, कोई सा भी एक मत के हो जाओ। प्रबुद्ध भारत में बाबा साहब ने कहा बुद्धिस्ट होना चाहिए, क्योंकि अशोक हमारे उस समय बुद्धिस्ट थे, बाबा साहब ने उस समय हमारे महापुरुषों को देखा कि बुद्धिस्ट थे, इसलिए वो बुद्धिस्ट बता के गए। मगर आप बुद्धिस्ट भी ना बनना चाहो तो ना बनो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 115 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाओ और ये कहो कि आज से हमारा एक मत है और उस मत का नाम है गिलास। ये जो आप गिलास देख रहे हो, ये वाला गिलास, ये गिलास है जिसमें पानी पीते हैं हमको जी, हम तो कौन से मत के आदमी है, हम तो गिलास के मत के आदमी है जिसमें पानी पीते हैं। तो आपका गिलास मत ही कामयाब हो जाएगा क्योंकि आप इकट्ठे हैं। इसलिए किसी मत में दम नहीं होता, उसके पीछे जो लोग इकट्ठे होते हैं उसमें दम होता है। आप कह दोगे 115 करोड़ लोग आज से हमारे मत का नाम है चम्मच, तो वो जो चम्मच मत का नाम है वही पावरफुल हो जाएगा, वही दुनिया में फेमस हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे 115 करोड़ लोग खड़े हुए हैं। और आप अलग अलग टुकड़ों में बटे रहो और बैठे रहो और कुछ भी कहते रहो कि हमारे ऐसा है, हमारे वैसे हैं, तो भी आपकी बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आपके पीछे कोई है नहीं। इसलिए जो संविधान का बल है वो संख्या बल में है और हमारा बल संख्या बल में है। अगर हम बचेंगे और जीतेंगे तो इकट्ठे होंगे तब बचेंगे। कोई आदमी ये सोचता हो कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं संविधान जानता हूं, मैं धर्म पूरा जानता हूं, मैं ये सारी चीजें जानता हूं, मैं वो राजनीति पूरी जानता हूं, मैं राजनीति का गुरु हूं, मैं प्रोफेसर हूं राजनीति का, और वो कुछ भी कहता रहे, वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान में तो जनबल चलता है। संविधान ये कहा कहता है कि कोई पीएचडी आदमी है तो उसकी बात सुनूंगा, संविधान ये कहा कहता है कि कोई बहुत रिच आदमी है तो मैं उसकी बात सुनूंगा, संविधान तो ये कहता है कि तेरी भी एक वोट है, मेरा भी एक, उसका भी एक मत है और जो गरीब आदमी उसका भी है। तो आप मत इकट्ठे कर लो, आप जितना ज्यादा मत इकट्ठे कर लोगे, जितना ज्यादा कंसेंट इकट्ठी कर लोगे, जितना ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लोगे, संविधान उतनी आपकी बात मानेगा, और तभी तक मानेगा जब तक संविधान लागू है। क्योंकि अगर संविधान लागू नहीं है तो संविधान कह देगा भाई मैं तो डेड हो गया, मैं तो मर गया, अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, अब मेरे में संविधान में बहुजन का बल नहीं चलता, मतों का बल नहीं चलता, क्योंकि मैं तो खुद मृत हूं, अब मृत में क्या डालोगे आप, अगर कितनी वोट डाल दो तो जीवित होगा नहीं। इसलिए इकट्ठा भी होना है तो टाइम से इकट्ठा होना है और पहले इकट्ठा होना है। और इकट्ठे होने, अब इकट्ठे कैसे हो गए भाई, ये पोर्टल से 142 लोग हैं ये भी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि 142 लोग अगर अपनी जिम्मेदारी समझे, आज दिल्ली की मीटिंग हुई तो उसमें जो साथी हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और 200 लोग वहां इकट्ठे कर दिए। उन 200 लोगों को आज वहां कंसेप्ट बताया, समझाया, उसमें सब लोगों ने कहा कि कंसेप्ट बहुत अच्छा है और इसका कोई जवाब नहीं है और ये कंसेप्ट हमें बचा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो 200 लोग तो आए, तो 200 लोग तो इकट्ठे हुए, तो यहाँ 143 142 लोग हैं। तो दो दो लोगों को, रिश्तेदारों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सिखाएं कि जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ेंगे तो बचेंगे, जुड़ेंगे तो बचेंगे, जुड़ेंगे तो जिंदा रहेंगे, अदरवाइज मर जाएंगे। ये बात उनको समझानी है, 100 तरह से समझानी है। इसको समझाने की कोई क्लास नहीं लेनी है, इसको समझाने के लिए कोई मोटी किताब नहीं पढ़नी है,
ये तो हमारी प्राकृतिक किताब है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो बच जाएंगे। हम दरअसल टूटे इसलिए हैं क्योंकि हम अलग अलग हो गए हैं। आज हम इकट्ठे हो जाएंगे तो ये जो इकट्ठे करने का काम है, पहले हमारे दिमाग में आया कि भाई, सभी के दिमाग में आता है, हमारे क्या आया कि भाई हमारे जितने भी संगठन हैं उनको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि काम तो उन्हीं का है। तो हमने कोशिश की, बहुत लोगों ने कोशिश की, हमने भी की, हमने इनकी पैसे भी इकट्ठे किए, हमने सभा लगाई, वहां इनकी दावत भी की, इनको बुलाया। और अफसोस की बात यह है कि जुड़ने और जोड़ने पे एक आदमी नहीं बोला, मना किसी ने किया, कहा सबने। तो हमें समझ में आया कि इनकी एक छुपी हुई इच्छा है, ये कह रहे हैं कि इकट्ठे तो हो जाओ पर मेरे संगठन में आ जाओ, ये अभी भी मेरा 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 चिल्ला रहे हैं और नेता मैं रहूंगा भाई तुम्हारा सबका। तो हम तो किसी को भी नेता मानने को तैयार है, मगर भाई नेता इकट्ठे होकर आगे पहले अपना नेता मान लें तो हम तो उसी को मान लेंगे। तो नेता कहते हैं हम तो कभी इकट्ठे होंगे नहीं, तुम हमें नेता मान लो। तो हम लोग किस किस को अपना नेता माने, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। और वो इकट्ठे हुए नहीं, तो इस बीच में घटनाएं घट गई। घटना घटी कि हमारा संविधान फिर एक पेज निकाल के फाड़ दिया, दो अप्रैल अट्ठारह का निकाल के फाड़ दिया। सारे नेता भाग गए छोड़ छोड़ के, हमको कोई नहीं आया, कई नेता इकट्ठे नहीं हुए हमारा उस SC ST एक्ट को बचाने के लिए। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो लोग इकट्ठे हुए। तो जब लोग इकट्ठे हुए तो संविधान ने कहा कि हाँ, अब मैं तुम्हारा पन्ना जोड़ सकता हूं क्योंकि तुमने मेरी बात मानी है। क्या कहता है संविधान कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो तुम संख्या बल में इकट्ठे होकर सड़क पे आ गए 2 अप्रैल को, तो मैं तुम्हारी बात मानता हूं, तुम्हारा पन्ना जो कुछ लोगों ने फाड़ के फेंक दिया था मैं उसको जोड़ देता हूं। तो इसका मतलब संविधान में ताकत है, अगर आप इकट्ठे हो जाते हैं तब संविधान आपकी बात मानेगा, और अगर हम इकट्ठे ना होते 2 अप्रैल 2018 को तो संविधान क्या कहता। तो संविधान कहता है कि देखो भाई, आप इकट्ठे नहीं हुए तो मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, क्योंकि जो लोग थोड़े बहुत इकट्ठे हैं उन लोगों ने तुम्हारा पन्ना फाड़ दिया, अब मैं इसको नहीं जोड़ सकता। तो संविधान आपका पन्ना कभी नहीं जोड़ पाता। इसलिए संविधान में ताकत नहीं है, संविधान में ताकत इकट्ठे हुए लोग देते हैं। ये सारे बिखरे हुए जो लोग हैं, संख्या बहुत हो सकती है मगर वो संविधान की ताकत नहीं है, वो संविधान की कमजोरी है, वो संविधान की बीमारी है, वो संविधान को मार रहे हैं। जो संगठन अलग अलग काम करते हैं वो रोज संविधान की हत्या करते हैं, वो रोज संविधान का एक पेज निकाल के फाड़ देते हैं, और हमसे आके क्या कहते हैं, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है। रोते आके क्यों रोते हैं, पैसा दे दो उनको तो हम पैसा भी दे देते हैं। फिर कहते हैं कार्यक्रम लगा दो हमारा, संविधान खतरे में लगा दिया तो क्या करते हैं पैसे का, संविधान छपवा देंगे, संविधान की पाठशाला लगवा देंगे, प्रियम्बल बटवा देंगे, प्रियम्बल की पाठशाला लगा देंगे, प्रियम्बल को पढ़ेंगे, संविधान का ज्ञाता आ जाएगा कोई ना कोई यहाँ जो एक एक आर्टिकल की व्याख्या कर देगा। अरे तेरे व्याख्या करने से अगर संविधान बचता होता तो अब तक तो हजार बार बच गया होता। ये इतने सारे वकील हैं, ये संविधान का किसी चौराहे पे वाचन कर देते, पाठन कर देते, माइक लगा के बोलते तो संविधान अब तक तो फूल का कुप्पा हो जाता और वो तो चार गुना मोटा हो जाता, उसके तो जुड़वा भाई भी पैदा हो जाते। अरे भाई संविधान पढ़ने से कहां बचता है, संविधान तो साफ कहता है कि पढ़ने से नहीं बचता। मैं ये कुछ लोगों का काम है, जो पढ़ता है उनको वकील बोलते हैं, वो पढ़े वो कोर्ट में जाए उनका काम है। बाकी लोगों का काम अगर है तो इकट्ठे होने का, तब बचता हूं मैं। और इसका तो हमने उदाहरण देख लिया 2 अप्रैल को, जब हम इकट्ठे हुए तो संविधान बच गया। तो बाबा साहब कहते हैं कि भैया संगठित रहो, संगठित रहो, संगठित रहो। तो बाबा साहब अब खुल के लिख के जाते हैं वहां के भाई तुम सबको संगठित रहना है और एक ही नेता के लिए रहना है। तो हम नेताओं की गलेवान पकड़ के कह देते हैं कि भाई बाबा साहब ने कहा, मगर बाबा साहब ने सोचा होगा कि ये जो मेरी औलादें हैं मेरे बाद पढ़ लिख के आ रही है, इतनी तो काबिल होंगी कि संगठित रहने का मतलब समझते हों। अब ये निरे गधे थोड़ी हैं कि इनको इतना भी समझ में नहीं आता कि 29 लाख संगठन बना के कोई संगठित होता है क्या, या अलग अलग टुकड़ों में कोई संगठित होता है क्या। इन बेवकूफों को अगर इतना भी समझ नहीं है तो इनका डूब के मर जाना अच्छा है। तो ये बात नेता तो कभी नहीं बताएगा कि बाबा साहब ने संगठित होने के लिए कहा है तो एक ही संगठन बनाने के लिए कहा है, उसका तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। भारत में जितने भी नेता हैं वो सब बेरोजगार हैं, और वो बेरोजगार हैं इसलिए नेता बनते हैं क्योंकि ये रोजगार है, चंदा लेना एक रोजगार है, और चंदे के लिए नई नई समस्या जो आती है सरकार की तरफ से उसका वो हवा दिखा के अपना रोजगार चलाते हैं। और ये एक दूसरे को इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि ये रोजगार कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो संगठन चलाने वाले लोग हैं उनको बड़ा बुरा लगता है, कहता है वी द पीपल वाले लोग कहते हैं जी संगठन बेकार है, संगठन ऐसा करता है, चंदा खाता है। अरे भाई देखो, हम कहते हैं कि हमको तुम गलत सिद्ध कर दो कि तुम सब लोग ठीक हो, अच्छे हो, और तुम अलग अलग रह के काम करना चाहे तो करो, मगर परिणाम कहाँ आए, परिणाम तो बताओ ना, रिजल्ट कहाँ आए। बस रिजल्ट तो आए हैं, वो कहते रिजल्ट तो आए हैं, हम भी मानते हैं रिजल्ट आए, उल्टे रिजल्ट आए हैं। जो बाबा साहब कारवा लेके आए थे आगे तक, वो कारवा तो पीछे चला गया। बाबा साहब कितने समझदार थे, क्या कहते थे बाबा साहब,
कारवां अगर तुम्हारे बस की आगे बढ़ाना ना हो तो पीछे मत जाने देना, मतलब उनको उनको पूरा डाउट था कि निकम्मे लोग हैं ये, बाद में खंड खंड में बिखर जाएंगे, टुकड़ों में बिखर जाएंगे और ये कारवां पीछे धकेल देंगे। इसलिए सावधानी देके गए थे और वो सावधानी को भी बार 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 वो माइक से चिल्लाते हैं और सावधान नहीं होते, माइक से चिल्लाते हैं और हमारे कान में पका दिए उन्होंने और खुद नहीं इकट्ठे होते, तो उससे उससे परेशान होके फिर हमने कहा कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब की जानकारी तो हमें भी है, तो हम अपना काम उन पर क्यों छोड़ें। जो नेता यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हैं और नई बात माने तो उनको हम अपना नेता ना माने या माने, मगर अपना काम उन पर ना छोड़ें, वरना हमारा काम खराब हो जाएगा। ये ठीक ऐसे है जैसे कोई घर में आए और वो आपका खाना पकाए और बेकार खाना कर दे और बेकार खाना कर दे और खाना खराब हो जाए, सड़ जाए, और आप फिर भी दोबारा उससे कहो कि भैया तू खाना बना दे, तो वो तो सड़ा हुआ खाना बनाएगा, वो किसी काम का नहीं है। तो भाई जैसा टूटा फूटा बनता है हम ही बना लेंगे, बस ये सोच के विदा पीपल में ऐसे ही बस ऐसे ही स्टार्ट हो गया और लोग इकट्ठे हो गए कि देखें कौन कौन से लोग इस मत के हैं कि हमको खुद काम करना चाहिए, खुद आगे बढ़ना चाहिए। तो पता चला देश में तो लाखों लोग तैयार बैठे हुए हैं नेताओं को छोड़कर, चाहे वो धार्मिक नेता है, चाहे वो सामाजिक नेता है, चाहे वो राजनीतिक नेता है, चाहे वो आर्थिक नेता है, उनको छोड़कर हर आदमी परेशान है। हर आदमी चाहता है जुड़ना और हर आदमी को ये समझ है, ये नेचुरल समझ है कि उसे जुड़ना है तब बचेगा। इसका परिणाम ये देखा कि विदा पीपल में जितनी तेजी से लोग जुड़े और जितनी तेजी से जोड़ रहे हैं वो अपने आप में सबसे कमाल की चीज हो रही है। दिल्ली के अंदर उसका उदाहरण है, 200 आदमी नहीं इकट्ठे होते, आप यकीन मानना मैं कोई झूठ नहीं बोलता, कोई अगर चाहे तो चेक कर सकता है, दिल्ली में 200 आदमी नहीं इकट्ठे होते। अगर 200 आदमी दिल्ली में इकट्ठे कर दिए साधारण लोगों ने तो 400 500 600 भी कर सकते हैं और वो देश को बदल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर कोई एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो राज्यों में गांव में स्टेट में तो वो बहुत बड़ा सफल होता है, ऐसा हर बार देखा गया है। इसको आजमाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और यहाँ चूंकि सबको पता है कि विदा पीपल का नेता संविधान है और संविधान के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, वो बातें हम कई बार बता चुके हैं और इस बात को सब जानते भी हैं कि संविधान हमारा नेता कैसे है और कैसे नहीं है। क्योंकि जैसे बाइबल ईसाइयों का नेता होती है, जैसे कुरान ईसाइयों का नेता होता है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब सिखों का नेता होता है, जैसे जो त्रिपिटक है वो बुद्धिस्टों का नेता होता है, जैसे आगम जैन लोगों का नेता होता है, वैसे ही हम समण समाज का जो आज का नेता है, सबसे लेटेस्ट और सबसे पढ़ा लिखा और सबसे अच्छा और सबसे दुनिया में जाना माना रेपुटेड नेता है, वो हमारा संविधान है, जिसके आगे दुनिया भी झुकती है और दुनिया उसको नकल करके कॉपी करके अपने यहाँ लेके जाती है। तो वो हमारा नेता है और हमारा एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है कि हमको जिंदा रहना है, जिद्द है हमारी जिंदा रहने की, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो हम जीतेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो जुड़ना है और जीतना है, जुड़ेंगे और जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जितने जितने जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं। अभी जुड़ोगे तो अभी जीत जाओगे। आज अगर अभी 9:29 पे आप पूरे भारत में ये कह देते हैं कि हमारा समण समाज जुड़ गया, तो 9:30 पे आपकी सारी एट्रोसिटीज खत्म हो जाएंगी, सारे आपके जितने भी जुल्म होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपका संविधान के जितने अधिकार गए वो वापस आ जाएंगे, एक साइन करना पड़ेगा बस आपने, वो सारे वापस आ जाएंगे। जो अब तक नहीं जुड़े हैं, जिनको बाबा साहब भी नहीं जुड़वा पाए, वो भी जुड़ जाएंगे, आपका आर्थिक आधार, आपका काम का अधिकार, वो सब इसमें जुड़ जाएंगे, आपका पेंशन का राइट भी इसमें जुड़ जाएगा, आपकी सोशल सिक्योरिटी इसके अंदर जुड़ जाएगी, वो चीजें भी जुड़ जाएंगी 9:30 पे, अगर 9:29 पे आप जुड़ते हैं। तो ये जिद जुड़ने की है, इसके अलावा कोई व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो विद्वान है जिनके पास बड़ी डिग्रियां हैं वो बड़ा मत्था खाते हैं। देखो कॉमन आदमी तो समझ जाता है, जो समझदार है वो समझ जाता है, मगर जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो बड़ा मत्था खाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यूनिवर्सिटी खुलेगी तो हमारा कल्याण होगा, किसी को लगता है कि जी हम इलेक्शन में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, किसी को लगता है जी कि हम बिजनेस करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, किसी को लगता है जी कि हम सांस्कृतिक बदलाव करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और बाबा साहब ने तो सारे काम करे हैं, तो बाबा साहब को पढ़ लो, तो बाबा साहब कहते हैं सारे काम करने हैं, बाबा साहब ने सारे काम करे हैं, इसलिए किसी काम को मना नहीं किया। तो विदा पीपल जो समर संघ है वो कहता है कि भाई जो जो लाग जो जो लोग ये सारे काम करते हैं वो इकट्ठे हो जाओ, पर जो जितने राजनीतिक है वो राजनीतिक इकट्ठे हो जाओ, जितने धार्मिक लोग हैं वो इकट्ठे हो जाओ, अब हमारे पास इकट्ठे होके आओ, इकट्ठे होके आओगे तो हम सहायता करेंगे, तो हम आपके साथ हैं, वरना हम बहुत तेजी से इकट्ठे हो रहे हैं, अगर तुम इकट्ठे होके नहीं आते हो तो जब तक इकट्ठे नहीं होते हो तब तक भैया तुम्हारा बही खाता बंद, तुम्हारी पर्चियां बंद, तुम्हारा अकाउंट बंद, तुम्हें पैसा नहीं दिया जाएगा, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, हमारा पैसा हमें ही खा रहा है,
हमारा पैसा हमें ही परेशान कर रहा है, हमारे ही अधिकार उखा रहा है, तो पैसा देना बंद, तुम्हारे संगठनों में जाना बंद, तुम्हारी बात सुनना बंद, और इकट्ठे होकर आ जाओ तो फूल की माला तैयार है, हम सब माला देंगे और सबसे आगे वी द पीपल रहेगा अगर सब लोग इकट्ठे होकर आते हैं हमारे नेता उनके लिए, वरना आप इकट्ठे होते जाइए नेता अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे, और नहीं होंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है संगठित होने के लिए नेता की आवश्यकता नहीं है, और संवैधानिक अधिकार के लिए एमपी बनने की आवश्यकता नहीं है और एमएलए बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार संख्या बल पर मिलते हैं। जैसे 2 करोड़ जो सिख हैं उनकी बात पार्लियामेंट में सुनी जाती है, जैसे हरियाणा के जट इकट्ठे हैं, जाट इकट्ठे हैं, वो सत्ता में रहे ना रहे उनके काम होते रहते हैं, ठीक वैसे ही आप अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो एमपी एमएलए तो काम आपका दरवाजे पे आगे खुशे करेंगे, ना भी करेंगे तो भी पार्लियामेंट में काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन के आगे संख्या बल के आगे संविधान सल्यूट करता है, संविधान में दम आ जाता है, संविधान आपकी रक्षा करता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो जिद्द है जिंदा रहने की, जिद्द है जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे, और कैसे जीतेंगे लोग कहते हैं पूछते हैं क्या करें जी हम, भाई कुछ नहीं करना आपने, ये जो वी का साइन है इस वी के साइन को लगाते जाओ आप दीवार पे, घर पे, पोस्टर पे, साइकिल पे, स्कूटर पे, टेलीफोन पे, मोबाइल पे, किताब पे, गाड़ी पे, बस में, मेट्रो में वी लगाते जाओ। इसका फायदा बहुत है कि अगर आप कहीं जा रहे हो और आपकी कार के पीछे वी लगा हुआ है और किसी भाई की मोटरसाइकिल पे वी लगा हुआ है तो आप छूटते ही कहोगे अच्छा एक परिवार का हमारा मेंबर है। आपका अगर आगे जाकर छोटा बहुत एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बात इमरजेंसी हो जाती है तो वो आपकी मदद करेगा। इसका सड़क पे भी फायदा है, इसका घर पे भी फायदा है, इसका समाज में फायदा है, इसका देश विदेश में फायदा है। आपकी जो पहचान है वो वी है। जैसे जैसे हम की पहचान आप करते जाएंगे वैसे वैसे जीतते जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत हम वाले आदमियों को हरा नहीं पाई है। मैं वाले तो सारे हारे हैं, मैं वाले सब हारे हैं, मगर हम वाला आज तक कोई नहीं हारा। इस बात को ध्यान रखना, हम बनना है, वी बनना है, वी द पीपल बनना है, हम जीत जाएंगे। जिद्द है जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सुनील सर, बहुत ही बढ़िया कहा आपने कि संविधान हमारा लीडर है और हम जुड़ेंगे तो सब कुछ, सारी समस्याओं का समाधान हमें मिलने वाला है। सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हर दिन आप इतनी अच्छी बात कर देते हैं कि दिन भर वही उसी के ऊपर हम सोचते रहते हैं। आपने दिल्ली के कार्यक्रम के बारे में बताया, वहां पर कोई नेता नहीं था, सारे लोग इकट्ठा वहां पर हो गए थे और संविधान को नेता मानकर ही सब लोग हम अपना ये मिशन आगे चलाएंगे।